एसएपीएल की टीम मौके से सबूत जुटा रही है। विभिन्न थानों से पुलिस मौके पर मौजूद है और जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव भी आ गए हैं। और अभी ये जो वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस चारपाई है, इन चारपाई के ऊपर ही परिवार सो रहा था और सोते हुए परिवार के ऊपर हमला किया गया था। अभी मौके पे एसएपीएल की टीम आ गई है और एसएपीएल अपने सबूत जुटाने में लगी हुई है। अभी कई थानों से और पुलिस की गाड़ियां भी आ रही है, आप देख रहे हो। और मौके पे भारी तादाद में ग्रामीण आ गए। एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मल हत्या कर दी गई है, जिसमें घर का मालिक पूनाराम जी बैठ जाति जाट और उसकी पत्नी और उसकी बहू और एक उसकी 4 वर्षीय पोती, इनकी हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में बदमाशों ने घर को भी आग लगा दिया था। ये आप देख रहे हो, घर अभी भी जल रहा, धुधक रहा धुआं। और वही एसएपीएल वाप अपनी जांच में जुटी हुई है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही। वहीं जोधपुर जिला कलेक्टर एस भी आ गए। देखिए आप, जोधपुर के जिला कलेक्टर अभी मौके पे आ गए। कलेक्टर साहब अभी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं है। अभी कलेक्टर साहब अंदर जा रहे हैं और अंदर से स्थिति का देखेंगे कि जहां पे सब पड़े। ऐसे पल अपनी साक्ष्य में लगी हुई है, जुटाने में सबूत जुटा रही है। और विभिन्न थानों के पुलिस थाना अधिकारी और अन्य स्टाफ भी मौजूद है। जोधपुर जिले की सबसे बड़ी अभी वारदात है ये, क्योंकि एक ही परिवार के चार लोगों की मौत भी हो गई है और उसके बाद में उसके सोते परिवार के ऊपर हमला किया गया था और उसके बाद में पूरे घर को आग लगा दी है, जो अभी भी आप वीडियो में धुआं उठता हुआ देख रहे हो। जिसके बाद में सुबह से ही पूरा पुलिस जाब्ता मौके पर है। सबसे पहले तो क्षेत्रीय ओशे पुलिस थाना की टीम पहुंची थी, उसके बाद में लोड पुलिस थाना पहुंची थी और जैसे ही सूचना मिली तो एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पे आ गए थे। और फिर जोधपुर ग्रामीण के एसपी धर्मेंद्र सिंह जी यादव भी आ गए और उसके बाद में एसएपीएल टीम वगैरह भी आ गई। अभी जो ये वीडियो में देख रहे हो, अब अपने सबूत जुटा रही है। और एसएपीएल के बाद में जोधपुर के जिला कलेक्टर वो भी आ गए। वो भी जो घर से धुआं निकल रहा है उस और जहाँ पे सब पड़े हैं वहाँ से कुछ अपने सबूत जुटा रही हैं। ये आप देख रहे हो, एसपी धर्मेंद्र सिंह जी यादव और जिला कलेक्टर दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है घटना को लेकर कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आगे खुलासा होने वाला है। घटना के बाद से भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर आ गए हैं।
देखते रहिए इस पेज को और जल्द ही आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।